गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? फाइन। आज अब हम जीके की ओरल क्लास करेंगे। पहले हमने हिंदी की ओरल की रिटर्न किया, अब आज जीके क्लास। जीके रोज आता है, आपको रोज लर्न करना है, एग्जाम में आएंगे सब। ओरल बच्चे बहुत वीक हो रहे हैं, ओरल पे ध्यान दें। रिटर्न तो फिर भी बच्चे कर लेते, ओरल नहीं कर पा रहे हैं। देखो स्टूडेंट्स, आज हम अभी वेजिटेबल्स करेंगे और उसके बाद एनिमल्स नेम और फ्लावर्स नेम। देखो वेजिटेबल्स नेम, पोटेटोज, बिंजल्स, ऑनियन, टर्निप, पी, कैप्सिकम, कैबेज, टोमेटोज और पंपकिन। वापिस देखो, पोटेटोज, पोटेटोज यानी आलू, आलू की सब्जी सबको अच्छी लगती है बच्चों को। ब्रिंजल्स, ब्रिंजल्स यानी बैंगन, ऑनियन, ऑनियन यानी प्याज, टर्निप, टर्निप मीन्स सलगम, पी, पी मीन्स मटर, कैप्सिकम, कैप्सिकम मीन्स शिमला मिर्च, कैबेज, कैबेज मीन्स पत्ता गोभी, टोमेटोज, टोमेटोज मीन्स टमाटर और पंपकिन, पंपकिन मीन्स कद्दू। बोलो एक बार, पोटेटोज, ब्रिंजल, ऑनियन, टर्निप, पी, कैप्सिकम, टोमेटोज, पंपकिन और कैबेज। ठीक है, सबको लर्न करने हैं वेजिटेबल्स, कम से कम 5 तो आपको लर्न होने ही चाहिए, एग्जाम में आपको 5 पूछे जाएंगे। अब हम करेंगे एनिमल्स नेम। देखो इधर स्टूडेंट्स, लॉयन, टाइगर, कैमल, सिप, गॉट, मंकी, एलिफेंट, हॉर्स, काउ। वापिस देखो, लॉयन, लॉयन मीन्स शेर, टाइगर, टाइगर मीन्स चीता, कैमल, कैमल मीन्स ऊंट, सिप, सिप मीन्स भेड़, गॉट, गॉट मीन बकरी, मंकी बंदर, एलिफेंट मीन्स हाथी, हॉर्स, हॉर्स मीन्स घोड़ा और काउ, काउ मीन्स गाय। ये आपको हिंदी में भी लर्न करने हैं, आगे आपके एक दो क्लास बाद हिंदी में भी आपको बोलने पड़ेंगे, यू नहीं कि सब इंग्लिश में, हिंदी में भी ध्यान रखोगे। जैसे लॉयन को शेर, टाइगर को चीता, कैमल को ऊंट, ये सब आपको हिंदी में भी करते रहना है साथ साथ में। बोलो वापिस एक बार, लॉयन, टाइगर, कैमल, मंकी, सिप, गॉट, काउ, एलिफेंट और हॉर्स। कम से कम 5 लर्न करने हैं सबको। अब हम करेंगे फ्लावर्स नेम। देखो, हिबिकस, रोज, सनफ्लावर, डेफोडिल, मैरीगोल्ड, ओलियंडर, जैस्मिन, लोटस, डेजी। हिबिकस, रोज, सनफ्लावर, डेफोडिल, मैरीगोल्ड, ओलियंडर, जैस्मिन, लोटस, डेजी। और आपको कुछ कुछ हार्ड नहीं याद होते हैं तो देखो, रोज, लिली, सनफ्लावर, मैरीगोल्ड और लोटस, जैस्मिन, ये इजी इजी है, आप इनको भी लर्न कर सकते हो। ठीक है, और अब हम बोलेंगे मंथ नेम। किसी को लर्न हुए हैं थोड़े बहुत मंथ नेम? देखो बोलो मेरे साथ, जनवरी, फेब्रुवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। फिर बोलो एक साथ, जनवरी, फेब्रुवरी, मार्च, अप्रैल, मई, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। ठीक है, बोलो एक बार, जनवरी, फेब्रुवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। ठीक है, अब माय कन्वर्सेशन, जिसमें क्या वो पूछेंगे आपको, माय सेल्फ, व्हाट इज योर नेम, व्हाट इज योर फादर नेम, व्हाट इज योर मदर नेम, विच क्लास डू यू रीड, एंड व्हाट इज योर प्रिंसिपल नेम, व्हाट इज योर क्लास टीचर नेम और व्हाट इज योर प्राइम मिनिस्टर नेम। अब देखो मैं सबको एक एक बता रही हूँ, व्हाट इज योर नेम,
इसमें आपको अपना नाम बताना है, जैसे माय नेम इज तानिया, माय नेम इज युक्तिका, माय नेम इज कमलेश, माय नेम इज मुकुंद, सबको अपने अपने नाम बताने हैं। आगे आएगा व्हाट इज योर फादर नेम, उसमें आपको अपने पापा का नाम बताना है, और व्हाट इज योर मदर नेम, उसमें आपको अपनी मम्मी का नाम बताना है। इसके बाद आता है इन विच क्लास डू यू रीड, आप कौन सी क्लास में पढ़ते हो। सबको बताया कि हम सब नर्सरी में पढ़ते हैं, तो क्या बोलेंगे, आई रीड इन नर्सरी क्लास, आई स्टडी इन नर्सरी क्लास। उसके बाद आता है वेयर डू यू लिव, हम कहाँ रहते हैं, हम बालोतरा में रहते हैं, तो क्या बोलेंगे, आई लिव इन बालोतरा, मैं बालोतरा में रहता हूँ। नेक्स्ट आता है कि आपके प्रिंसिपल का नाम, आपके क्लास टीचर का नाम, तो व्हाट इज योर क्लास टीचर नेम, क्या बोलोगे, माय क्लास टीचर नेम इज जमुना मैम, पिंकी मैम, कुसुम मैम, आप कुछ भी बोल सकते हो, क्या बोलोगे, माय क्लास टीचर नेम इज जमुना मैम, पिंकी मैम और कुसुम मैम। अब आता है आपके प्रिंसिपल का नेम, व्हाट इज योर प्रिंसिपल नेम, प्रिंसिपल कौन होते हैं, जो स्कूल में सबसे ऊपर वाले पद पे होते हैं उनको बोलते हैं प्रिंसिपल। माय प्रिंसिपल नेम इज मिस्टर चेतन शर्मा, क्या बोलोगे, माय प्रिंसिपल नेम इज मिस्टर चेतन जी शर्मा, ठीक है। अब आता है व्हाट इज योर प्राइम मिनिस्टर नेम, हमारे इंडिया के प्राइम मिनिस्टर कौन है, तो क्या बोलोगे, माय प्राइम मिनिस्टर या अवर प्राइम मिनिस्टर नेम इज नरेंद्र मोदी, क्या बोलोगे, अवर प्राइम मिनिस्टर नेम इज नरेंद्र, मिस्टर नरेंद्र मोदी, ठीक है। ये सबको करना है, इसमें से सब ही आएगा एग्जाम में, कम से कम आप 4 से 5 6 क्वेश्चन के आंसर तो आपको लर्न करने ही है, ठीक है। जय श्री कृष्ण, थैंक यू।